अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिन और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहिन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और चटपटी आलू चना की चाट की रेसिपी लेके आई। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली। बिल्कुल ठेला स्टाइल की आज हम चाट बनाएंगे, वो भी आलू चना की चाट और खट्टी मीठी चटनी साथ सर्व करेंगे। चले बनाना शुरू करते हैं आलू चने की चाट, जो फ्लेवर में लाजवाब बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा। देखिए चने मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप है चने, मैंने उबले हुए चने लिए हैं सफ़ेद वाले। साथ ही 2 अदद आलू हैं, आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। आलू को आपने कटिंग करके जो शेप देना चाहते हैं उस तरह छिलका उतारने के बाद उसी शेप में आपने बॉयल करना है, इस तरह आलू की शेप ख़राब नहीं होती है। और एक लार्ज साइज़ का टमाटर है, टमाटरों के बीच मैंने सेपरेट कर दिए थे और दरमियाने पीसेस में मैंने टमाटरों को काट लिया है। दरमियाने साइज़ का एक प्याज था, प्याज को भी रफली चॉप करके वो भी ऐड कर दिया है। 1 अदद खीरा लिया था, खीरा ऐड कर दिया है। स्मॉल पीसेस में कट करके ही आपने तमाम चीज़ें ऐड करनी है। आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया साथ ऐड कर देंगे, साथ ही ये इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे जिससे ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आलू चना चाट में, जो बहुत ही खट्टी मीठी सी हमारी चना चाट बनेगी, बिल्कुल ठेला स्टाइल जो हम बाज़ार में जाकर खाते हैं। साथ ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे जिससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और आखिर में हम ऐड करेंगे चाट को चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। 1 टीस्पून भरकर आपने चाट मसाला ऐड करना, जितना आप खट्टा पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। इमली की जो खट्टी मीठी चटनी मैंने बनाई है, 200 ग्राम मैंने इमली ली थी, 5 कप पानी डालकर रात भर के लिए भिगो दिया था और गुठलियों को मैंने सेपरेट कर दिया। उसके बाद अच्छे से छान लिया ताकि कोई जड़ या रेशा वगैरह इसमें ना रहे, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पका लिया था मैंने। और उसके बाद इसमें गुड़ ऐड किया था 100 ग्राम, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड किया था, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड की थी, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक ऐड किया था, 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करके और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी और मीडियम फ्लेम पर पका लिया था। चीनी डालने से जो चटनी की जो शाइनिंग होती है वो बरकरार रहती है। और आखिर में इसको सेव करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं, ताकि जो इमली की चटनी जो हम बनाते हैं अक्सर वो ख़राब हो जाती है, उसको सेव करने के लिए इसमें सिरका भी ऐड करते हैं। इस तरीके से आप इमली की खट्टी मीठी चटनी गुड़ वाली बना सकते हैं जो आप सर्व करेंगे आलू चना चाट के ऊपर। देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू चने की चाट रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई किया करें। मैं डेली आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।